कैसे सवाल आपने वैसे प्लीज किए हैं बाय द वे? ये कोई नो, सवाल है? ये सवाल है? नहीं, लोग ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो आप छोड़ें। आई जी साहब अपने हवास में नहीं है। न्यूज टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है जमान पार्क के बाहर, हम बैठे हैं। चौधरी साहब शुक्रिया टाइम देने का। आईजी साहब ने तो कह दिया है कि ये नो गो एरिया है, ये बड़ी खतरे वाली जगह है और पुलिस वाले इधर ना आए, इसकी क्या वजह है? आईजी साहब अपने हवास में नहीं है और एक बदहवास आदमी ऐसी बात करता है। आईजी जो है उस हुकूमत का आईजी है जिसके भी हवास बाखता है। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि ये एक अवाम है, ये लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, ठीक है। और ये क्यों आए हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का रहायश गाह है, ठीक है। इसलिए यहाँ हर जगह से जहाँ लोग आए, ये नो गो एरिया होता है, नो गो एरिया वो होता है जहाँ पर कोई जा ना सके। यहाँ तो हर घंटे के बाद पुलिस आ जाती है, तो लोग एरिया तो इसलिए झूठ बोलता है और गलत कहते हैं कि पुलिस जो है वो वर्दी में यहाँ से ना गुजरे, उनकी वैन को तोड़ फोड़ के वगैरह जी नहर में फेंका गया है, पेट्रोलिंग वाली गाड़ी पे हमला हुआ है। देखें ये उनका खुद साख्ता है सारा, आके कारकुनान को बिल्कुल नहीं हुआ, आके कारकुनान को मारते हैं, उनका सर फाड़ते हैं, उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, दीवार तोड़ दी है, दरवाजा तोड़ दिया है, किसी के घर को मिसमार करें वो आपको माफ करेगा? आईजी को उसको को आओ मेरे घर, दरवाजा आके तोड़ो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। राणा सनाउल्ला जैसे कहते हैं कि जे एक वक्त में जो वजीरस्तान था वो अब जमान पा के मरियम का राणा सनाउल्ला मरियम कहती है, मरियम कहती है कल अदम जमात है, इसको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। अब मरियम एक औरत ना हो तो मैं उसको आखिर में ये बताइएगा कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी देने से क्या खौफ ज्यादा है, वजह क्या, अवॉइड क्यों कर रहे हैं? ये कैसे सवाल आपने वैसे किए हैं बाय द वे? ये कोई सवाल है? ये सवाल है? नहीं, लोग ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो आप छोड़ें। चलेंगे चौधरी साहब, शुक्रिया आप टाइम देने का। ओ राणा सनाउल्ला मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम।